Hello friends, this is Dr. Bakul Dev from Un Academy Studios Placebo। ये हमारा ठीक 3 बजे वाला सेशन है जिसमें हम 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। और आज हम एक यूनिट स्टार्ट करें, इस सेशन को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। बड़ा पुराना शेर है, बड़ा इंपॉर्टेंट शेर है, ध्यान से सुनिएगा इसको। शेर यूँ है बच्चों कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, तो इसका मीनिंग ये है कि जो लड़ाई करने के लिए जाएगा, जो युद्ध में जाएगा, गिरेगा भी वही। जो घुटनों के बल चल रहा है वो गिर भी नहीं सकता। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब प्रयास करोगे, जब कोशिश करोगे, तो हो सकता है कोशिशें असफल हों। कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एक बार में वो समझ में ना आए, गिर जाओ, लेकिन जो गिरेगा वो फिर से उठेगा, फिर से बैठेगा घोड़े पर, फिर से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेगा और आखिर में मंजिल पर पहुंचेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलना छोड़ दीजिए, उठिए, थोड़ा हिम्मत अपने आप में पैदा कीजिए और जो चीज़ हमें फाइट करनी है, जिस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, हेड ऑन फाइट कीजिए उससे, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर। नीट और एम्स दोनों आप बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक करेंगे, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा यकीन है। और उस यकीन की जो पुख्ता वजह है, जो सॉलिड रीज़न है उसके पीछे, वो है ये टीम जो आपको दिखाई दे रही है। इसे हम कहते हैं बच्चों टीम प्लेसेबो। और इस टीम में पूरे हिंदुस्तान से जो सबसे अच्छे अवेलेबल लोग हैं, अच्छे अवेलेबल एजुकेटर्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो सब चुनकर इस प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं। और हम सब लोग आपको पूरे दिन में 12 घंटे लाइव सेशंस हम कलेक्टिवली ले रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट हम कॉम्प्रहेंसिवली आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसेबो, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एज वेल एज एम्स। तो जल्दी से देख लीजिए जरा कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कितनी कितनी बजे कौन कौन से एजुकेटर्स ले रहे हैं। हैव अ लुक। अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं शाम 5 बजे और रात 11 बजे। दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। आनंद सर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे और रात 10 बजे। मैं भी आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे। 3 बजे वाला यह सेशन है लाइव अपना। शाम 7 बजे वाले सेशन में हम 12th का पोर्शन पढ़ रहे हैं और आज शाम 7 बजे हम एवोल्यूशन वाला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा पोर्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बच गया था उसे कंक्लूड करके ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन वाला सेक्शन आज हम बच्चों स्टार्ट कर देंगे। ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है शाम 4 बजे, शाम 6 बजे और रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे। तो इस टीम के साथ बच्चों जुड़े रहिए। नीट और एम्स दोनों आपकी रेंज में आ जाने वाले हैं कुछ ही वक्त में। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताता चलूं, मैं डॉक्टर बकुल देव, मैं जयपुर से हूं और पिछले 15 सालों से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। इन 15 सालों में 10-12 हज़ार बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिसमें से 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 6 बार बच्चों ऐसा हुआ है जब मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक लेकर के आए नेशनल लेवल पर अलग अलग एग्जाम्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे अन अकेडमी स्टूडियोज़ प्लेसेबो के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स इस बार बहुत अच्छी रैंक लेकर सेलेक्ट होने वाले हैं, आई होप सो। चलिए आगे चलें, उससे पहले जल्दी से आपको बता दूं बच्चों कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा वंडरफुल और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक, जिस पर आपको बहुत 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 सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। प्लेसेबो पर जो एडवांटेज आपको मिल रहे हैं उन एडवांटेजेस से कुछ और प्लस आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। प्लस प्लेटफॉर्म पर आना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि कोई लैक्यूना आपकी प्रिपरेशन में न रहे। लेक्चर के बाद जो जो चीज़ें लेक्चर में हमने पढ़ी, जो जो चीज़ें, जो नोटिफिकेशंस मैंने बोर्ड पर लिखे, जो टर्म्स मैंने बोर्ड पर लिखे, कोई लाइन डायग्राम बनाया, कोई चीज़ आपको समझाई, वो उसी फॉर्मेट में आपके पास पहुँच जाएँ और आप उनको बाद में भी देख सकें। तो ये प्लस प्लेटफॉर्म की एक खूबी हो गई। दूसरा, प्लस प्लेटफॉर्म पर हम हर चौथी क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन का रखते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट का एक एक डाउट पर्सनलाइज्ड मैनर में क्लास में सॉल्व किया जाता है। वीकली क्विजेज ऑर्गेनाइज हो रही हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट लाइव होते हैं, बहुत सारे बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आपको अपना खुद का स्टेटस भी पता चलता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग और पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो जो जो बच्चे प्लेसेबो पर हैं उन सबको अनकंडीशनली प्लस वाले प्लेटफॉर्म पर भी आ जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट। ठीक है बच्चों, जो दो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं अभी अन अकेडमी प्लस पर, पहला कोर्स है एसेंड फॉर क्लास 12th, जिसमें हम 12th का पूरा सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं वेरीफाइड और प्रिसाइज्ड कंटेंट के साथ। हमारी टीम में मैं डॉक्टर बकुल देव, रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आशुतोष गौरव सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अमित दीक्षित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। और बच्चों साथ ही साथ जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है अभी, जो मैं वहां पर सिंगल हैंडेड ले रहा हूं, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स, जिसमें हम 11th और फिर 12th इन दोनों में जूलॉजी के जितने भी यूनिट्स आते हैं उनको हम पूरा कवर कर रहे हैं। ओके, तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए और जल्दी से जल्दी आइए, बहुत 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 बेनिफिट्स आपको वहां मिलने वाले हैं। अब जल्दी से ये भी देख लें कि सब्सक्रिप्शन के मोड्स हमारे पास क्या क्या हैं। बहुत सारे मोड्स हैं सब्सक्रिप्शन के, मंथली हैं, फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। लेकिन मेरा अपना रिकमेंडेशन क्या है कि जो बच्चे 12th में हैं या अभी जो 12th पास कर चुके हैं ड्रॉप कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लेना चाहिए। और मैं बताता चलूं कि जब ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप ऑप्ट करेंगे तो केवल मेरी ही क्लासेज नहीं, मेरे साथ जो एसेंड कोर्स में टीम है केवल उनकी ही क्लासेज नहीं, प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स इस वक्त अलग अलग टॉपिक पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो सारी क्लासेस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एंट्री टिकट है प्लस प्लेटफॉर्म के लिए, जो लगभग ना कुछ फीस में है, दैट इज 25,000 फॉर 1 ईयर। मंथली में अगर बात करूं बच्चों तो दैट इज नॉट मोर देन और अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज। और अगर आपने वहां ये रेफरल कोड यूज कर लिया बच्चों, दैट इज Bakul10, तो ये फी आपका आ जाने वाला है 22,500 पर। तो बिना सोचे समझे जल्दी से ऑप्ट कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है अन अकेडमी प्लस फॉर 1 ईयर, जो बच्चे 12th में हैं और ड्रॉप कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी 11th में आए हैं इस गोल के साथ, इस लक्ष्य के साथ, इस भावना के साथ, इस सपने के साथ कि उन्हें डॉक्टर बनना है, नीट और एम्स क्लियर करना है, क्रैक करना है बहुत अच्छी रैंक के साथ में, उनको ये वाला सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करना है, दैट इज subscription for 2 years and the fee is even lesser, that is 40,000 for 2 years, 20,000 for 1 year। और जैसा कि मैंने अभी बताया Bakul10 ये आपको यूज करना है रेफरल कोड, और ये 40,000 फी भी आ जाएगी आपकी 36,000, इफेक्टिवली 18,000 पर ईयर, इफेक्टिवली 1,500 पर मंथ, इफेक्टिवली 50 रुपीज पर डे, दैट इज नथिंग। कंटेंट जो मिल रहा है आपको वो देख लें जरा, 30 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, हिंदी इंग्लिश में कोर्सेज, 35 प्लस टॉप एजुकेटर्स, लाइव डाउट सेशंस, क्विजेज, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा टेस्ट, एवरीथिंग पीडीएफ फॉर्मेट में, नोट, सब कुछ मिल रहा है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस को ऑप्ट कर लो बच्चों जल्दी से। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बताता चलूं कि हमने यहां तक का पोर्शन पूरा पढ़ लिया है, बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम, देन प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रिटा, चिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज एंड एनेलिडा। एनेलिडा में थोड़ा सा सेक्शन कल हल्का सा बच गया था, 5 मिनट के लिए इसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं हर सेशन से पहले, उसको हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बस मैं ये देख लूं कि कौन कौन से बच्चे क्लास में आ चुके हैं। जसवंत सिंह, तेजपाल, अतुल आप कहाँ से हैं बेटा, प्रियंका बाला सुब्रमण्यन, तेजपाल, निखिल, काजल, निशाधीर, तन्वी, काजल, दर्शना, रिया मेगन, किमी जैन, हिमाचली प्लेयर्स, आप क्या खेलते हैं बेटा ये भी बता दीजिए और अपना नाम भी बता दीजिए। और गीता, अनिक सरकार, सुभाष चंद्र और भी बहुत सारे बच्चे अब तक आ गए हैं, काजल, दिलीप कुमार प्रजापति, लिपुन, रिया, विजय, अर्पित, वेदांत, पवन गौड़, अर्पित। चलो जी, काफ़ी सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं अभी, और बाकी बच्चे धीरे 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 जुड़ते जाएंगे। तो जब तक और बच्चे आते हैं, चलो बच्चों क्विज स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से और रिप्लाई करो। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे ठीक रिप्लाई कर पाते हैं। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म्स आर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत महसूस ना हो। फ्लेम सेल, ग्रीन ग्लैंड्स, मेटानेफ्रीडिया, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर बच्चे को इसे पढ़ते ही रिप्लाई कर देना चाहिए। नैतिक कुमार कह रहे हैं 1, रिया कह रही हैं 1, दर्शना कह रहे हैं 1, कमलेश सोलंकी हेलो, आंसर दो बेटा, रिप्लाई करो जल्दी से। के एल यादव, चलिए ठीक है, आई एम हैप्पी किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक मेरे पास गलत नहीं आया है, और फ्लेम सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लेम सेल के साथ आपको यह भी याद रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज वो पहला फाइलम है बच्चों जिसमें स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अपीयर हुए। इससे पहले एक्सक्रीशन का प्रोसेस सारा किसी भी फाइलम में किस मोड से, किस मैकेनिज्म से चल रहा था, डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलेटरी सिस्टम इन अर्थवर्म इज open type with hemoglobin in RBCs, closed type with hemoglobin in plasma, open type with hemoglobin in plasma, closed type with hemoglobin in RBC। अब थोड़ा सा ट्रिकी है तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्रिटिकली एनालाइज कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, दिमाग की खिड़कियां खुली रखना और फिर आंसर करना। देखता हूं किस किस बच्चे का आंसर सही आता है मेरे पास में। नैतिक कह रहे हैं 2, ठीक है, जसवंत कह रहे हैं 2, रिया मेगन ने ऑप्शन दिया है 5, पांचवा तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, अब वो दे रही है 4, वेदांत 2, तन्वी 2, ठीक है, रोहन कह रहे हैं 3, दर्शना, लिपुन कह रहे हैं 3, गीता कह रही हैं 2, दिवाकर, रश्मि, ठीक है। अब दो ही चीजों में आपको कंफ्यूजन है ज्यादातर बच्चों को, या तो बच्चे कह रहे हैं आंसर इज 2 या कह रहे हैं 3। तो कंफ्यूजन आपको बेसिकली इस बात में नहीं है कि हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, इस बात पर आप ज्यादातर बच्चे श्योर हैं दैट हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन प्लाज्मा, दैट इज ओके। कंफ्यूजन आपको ये है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है कि ओपन। हमारे पुराने सेशंस जिन बच्चों ने देखे होंगे, स्पेसिफिकली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके शुरुआती सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ब्लड फ्लोज इन द ओपन स्पेसेज और कैविटीज विद इन द बॉडी। तो अर्थवर्म में जो ब्लड फ्लो करता है, इट फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स, सो it is closed type with hemoglobin found in the plasma, second option is the correct one। जिन भी बच्चों ने सेकंड के अलावा कोई ऑप्शन दिया है वो इसे करेक्ट कर लेंगे। चलिए जी जंप करें क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following statements about certain given animals is correct, emphasize on this। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, फिर से कह रहा हूं, डोंट जंप ऑन द आंसर, पहले पढ़िए, एनालाइज कीजिए, सिली मिस्टेक मत कीजिए। mollusks are acelomate, insects are pseudocelomates, flatworms are coelomates, roundworms are pseudocelomates। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आंसर आपको सबको सही देना है। चलिए जी बताइए, स्क्रीन से मैं एक बार के लिए अलग होता हूं। वेदांत कह रहे हैं ओपन मतलब बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी, सीलोम दोनों सिनोनिम है बेटा। आमिर खान कह रहे हैं हेलो, चलिए ठीक है। चलो मुझे समझ में आ गया कि आपको ये चीज़ें याद हैं, गुड। लगभग सब बच्चों ने आंसर सही दिया है, दैट इज राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स। मैं बताता चलूं, मोलस्का के बारे में अगर पूछा जाता है तो यूसिलोमेट और यू भी कौन से, शाइजोसिलोमेट। इंसेक्ट्स के बारे में पूछा जाए तो इंसेक्ट्स आर अगेन शाइजोसिलोमेट्स, flatworms are acylomates and roundworms are pseudocylomates। The correct option is 4। चलो जी फोर्थ ऑप्शन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एम्फेसाइज ऑन दिस, नॉट करेक्टली मैच्ड. साइकॉन, कैनाल सिस्टम, स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री, एस्केरिस, फ्लेम सेल एंड प्रॉन हिमोसील. ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो जरा ठीक से पढ़ लो इसको. और फिर तरुण धीर कह रहे हैं कि सर आपने आज मेरा नाम नहीं लिया, अभी ले दिया है आपका नाम. दिलीप कुमार प्रजापति, विजय, मैंने ले दिया बेटा आपका नाम, बिल्कुल आपका नाम ले लिया मैंने. जसवंत सिंह कह रहे हैं सर मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है. इसका आंसर तो इस क्वेश्चन में ही है, ऐसा फेरिंग्स जिसमें मसल्स हों वो मस्कुलर फेरिंग्स हो गया. देखो क्या है, एस्केलमिंथीज जो है, एस्केलमिंथीज जिनमें स्यूडोसीलोम होता है, उनकी जीआईटी पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर बाहर की तरफ मसल्स नहीं होते. तो जब बाहर की तरफ मसल्स नहीं होते तो उनका वॉल मस्कुलर नहीं हो सकता. तो इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स. अदरवाइज मस्कुलर फेरिंग्स तो सिंपल मीनिंग है दैट फेरिंग्स हैविंग मसल्स इज मस्कुलर. चलो जी तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो मेरे ख्याल से, अच्छा गलत, इसका गलत आंसर किसने दिया है ये देखने दो जरा मुझे. कोई बच्चा ऐसा भी है क्या? सोमोदीप डे, आप इसका आंसर दे रहे हैं फर्स्ट, क्यों? मनोज ठाकुर कह रहे हैं टू, आमिर खान कह रहे हैं टू. और इसके अलावा जितने बच्चों के आंसर, जितने बच्चों के रिप्लाई मेरे पास आए हैं वो लगभग सही है, वो सबके सही है. संस्कृति चौधरी ठीक है, आइए. जयप्रकाश, हिमाचली प्लेयर्स ये लिखे हुए रहे सर आई एम न्यू इन क्लास फ्रॉम लाहुल स्पिटी, प्लीज सर आई वांट कैरियर इन वाइल्ड लाइफ. बिल्कुल आप वाइल्ड लाइफ में भी कैरियर बनाइए अपना, कोई इशू नहीं है. हाल फिलहाल मैंने आपसे पूछा था आप अपना नाम मेरे को बताइए, क्योंकि आपका नाम इसमें लिखा हुआ आ रहा है बेटा, हिमाचली प्लेयर्स. गेट रेडी, एक बच्चा है जिसका नाम है गेट रेडी. तो मिस्टर गेट रेडी क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं अर्थवर्म में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या का कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं होता है. अर्थवर्म में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज. ठीक है. स्टर स्टारफिश, पेंटा रेडियल, अरे तो बेटा पेंटा रेडियल भी है तो रेडियल ना, रेडियल सिमेट्री का टाइप है वो. चलो जी इसके अंदर आंसर आ गया आपका एस्केरिस फ्लेम सेल, क्योंकि एस्केरिस में फ्लेम सेल नहीं होता. क्या होता है? रेनेट सेल या रेनेट ग्लैंड, जो एच शेप स्ट्रक्चर होता है. रेस्टार ओके. पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने कल वाले सेशन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन इजी है. नर्व कॉर्ड ऑफ फेरेटिमा, डॉर्सल एंड सॉलिड, डॉर्सल एंड हॉलो, वेंट्रल एंड सॉलिड, वेंट्रल एंड हॉलो. इसके साथ मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा. पहले आप लोग जरा इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से फिर रिप्लाई कीजिए, और फिर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे. चलिए जी, बैडमिंटन मैचेस, एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा है बैडमिंटन मैचेस. ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है जो आज मेरे सामने आ रहे हैं, आप भी अपना नाम बताओ बेटा. हिमाचली प्लेयर, टैक्सोनॉमी की डिटेल क्लास कब होगी? ये टैक्सोनॉमी की डिटेल्ड क्लासेस ही चल रही है बेटा, आप पुराने सारे सेशन देख लो. और देखो सब बच्चों के ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं 4, और मुझे बताते हुए बहुत दुख है बच्चों कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है. अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं. देखो, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, और फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई शुड राइट इनवर्टिब्रेट्स. इनमें भी डिफरेंस होता है, एंड वर्टिब्रेट्स. मतलब ये सिनोनिम नहीं है, मैं समझने के लिए वैसे ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आगे डिस्कस कर लेंगे. तो इनमें जब भी आपसे नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाए या नर्व कॉर्ड के बारे में पूछा जाए, नर्व कॉर्ड, तो नॉन कॉर्डेट, सिंपल लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं इनवर्टिब्रेट, इनमें नर्व कॉर्ड हमेशा बॉडी के वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगा, इनमें होगा डॉर्सल. जैसे हमारी बॉडी में कहां है स्पाइनल कॉर्ड, ये कौन सा सरफेस है बॉडी का? डॉर्सल. और दूसरा डिफरेंस ये है बच्चों कि इनमें हमेशा कैसा होगा? सॉलिड, और इनमें हमेशा कैसा होगा? हॉलो. इसको एक थंब रूल की तरह याद कर लो। इन वर्टिब्रेट्स में किसी में भी नर्व कॉर्ड आपसे पूछा जाता है, कभी भी हॉलो नहीं होगा, इट हैज टू बी सॉलिड। और होगा अगर ये तो बॉडी के वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगा या कुछ केसेस में लेटरल भी हो सकता है, बट इट विल नेवर बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो गेट रेडी ने अपना नाम बताया है कि मैं गौरव कश्यप हूं। बहुत अच्छी बात है बेटा गौरव। चलो जी ठीक है। नैतिक ने बिल्कुल सही लिखा है। और चलो ठीक है। अब आपस में चैटिंग बंद करो बेटा, क्योंकि आपका आज का क्विज हो गया है कंप्लीट और अब हम आ गए हैं हमारे सेशन की तरफ। तो ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था बच्चों एनेलिडा, इसको मैं 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, जिससे थोड़ा जल्दबाजी में हमने कल कवर किया था ना, कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ गया था कल, तो इस वजह से क्लास थोड़ा सा शॉर्टन हो गया था 10-15 मिनट। एक बार जल्दी से देख लो। एक्वेटिक और मॉइस्ट सॉइल, जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म हमारा मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब ये जो चारों करेक्टर हैं, ये चारों करेक्टर आपको अच्छे से याद रखना है। एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम आएंगे एस्केल्मिन्थीज और उसके बाद उनमें सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें एक्सेप्शन है एक आपका एकाइनोडर्मेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिमेट्री है। ठीक है जी। तो ये चारों करेक्टर आपको अप टू कॉर्डेटा याद कर लेने हैं, सब में यही मिलेंगे, केवल एक एक्सेप्शन सिमेट्री का आएगा, वो भी किसमें, एकाइनोडर्मेटा में, बाकी नहीं आएगा। शाइजोसीलोम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम पढ़ी चुके हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मीनिंग हमने ये पढ़ा था कि नए वाले सेगमेंट जो हैं वो बॉडी के पीछे वाले एंड से पोस्टीरियर एंड पर ये न्यू सेगमेंट ऐड होंगे और सारे सेगमेंट एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड होंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर हमने कुछ सेगमेंट काट के अलग कर दिए तो ऑर्गेनिज्म विल डाई बिकॉज दे ऑल आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड, पॉइंट 1। पॉइंट 2, न्यू सेगमेंट्स आर एडेड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, एंड पॉइंट 3, ऑल सेगमेंट्स आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये 3 चीजें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है अच्छे से। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें हमने पढ़े थे, इधर पैरापोडिया और काइटिनस सीटी, या हो सकता है कि एब्सेंट हो जैसा कि लीच में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के लिए ये डायग्राम देख लो जल्दी। ये अर्थवर्म है फेरेटिमा, और आप देख रहे हैं कि ये क्लाइटेलम है। फेरेटिमा का ये जो आगे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस आगे वाले हिस्से में सिलोमिक फ्लूइड आकर के भर जाता है, जिससे ये स्टिफ हो जाता है, टर्जिड हो जाता है थोड़ा, और एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी की हेल्प से अर्थवर्म जमीन में बिल बनाता है। ठीक है। तो ऐसा स्केलेटन जो फ्लूइड की वजह से बनता हो, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। रेस्पिरेशन में कोई खास पॉइंट नहीं है, ये याद कर लें, एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रीडिया। और जब इसका एक्सक्रीशन याद कर रहे हो तो साथ में प्लेटी और एस्केल्मिन्थीज भी याद कर लें। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा था फ्लेम सेल, एस्केल्मिन्थीज में हमने पढ़ा था रेनेट सेल, और यहां आकर के हम क्या पढ़ रहे हैं। राजू शाह कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है। राजू मेरा नाम है डॉक्टर बकुल देव। ठीक है। आपने अगर सेशन शुरू से देखा होता तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होता। चलो मैं देखता हूं किसी का कोई क्वेश्चन मेरे पास आया है क्या। ठीक है। शहजाद जानी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। चलिए और भी किसी कंट्री से कुछ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रीडिया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, दैट इज क्लोज्ड। नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, आज फिर देख लो। ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी का डॉर्सल, ये बॉडी का वेंट्रल पोर्शन है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ आगे तो एक मिलेगा रिंग, और इस रिंग से 2 नर्व कॉर्ड निकलेंगे इकट्ठा, जिनको हम कहेंगे बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये हो गया आपका रिंग, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, इस तरह का इनका नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, इनमें रिसेप्टर्स भी मिलेंगे। देखो आर्थ्रोपोडा में जाकर के देखने की कैपेसिटी डेवलप होती है, विजन की कैपेसिटी, क्योंकि उनमें आईज, आंखें डेवलप हो जाती हैं, कंपाउंड आईज। यहां रिसेप्टर हैं फोटो रिसेप्टर, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डिटेक्ट ओनली इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट का इंटेंसिटी ही चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, दोनों कैटेगरी हो सकती हैं। यूजुअली डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे अर्थवर्म है तो उसमें कोई लार्वा नहीं बनता, लेकिन बच्चों अगर लार्वा बनेगा तो उसका नाम आपको याद रखना है ट्रोकोफोर। और जब मैं यहाँ ट्रोकोफोर लिख रहा हूं तो मैं पुराने फाइलम के लार्वा एक बार सारे फिर से लिख देता हूं जिससे रिकॉल हो जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं पोरीफेरा की, जिसमें हमने दो लार्वल स्टेजेस पढ़े थे बच्चों, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला, ये लार्वा थे पोरीफेरा के। फिर हमने सिलेंट्रेटा का लार्वा पढ़ा था, प्लेनुला। फिर हमने टीनोफोरा का लार्वा पढ़ा था, सिडिपिड। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज में स्पेसिफाइड नाम नहीं पड़ा था हमने, क्योंकि बहुत से तरीके के लार्वा बनते हैं, जैसे फेशियोला में मिरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस, ये सब बनते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज में रेब्डिटिफॉर्म लार्वा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, बहुत सारे बनते हैं। और फिर अब हम आए हैं एनेलिडा में, तो एनेलिडा के लार्वा का नाम हो गया ट्रोकोफोर। ये सीक्वेंस में 4-5 लार्वा अभी तक बच्चों हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। चलो जी, एनालिडा के एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, फिर हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा। नेरीज फर्स्ट, सैंड वर्म, ये नेरीज है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एफ्रोडाइट, सी माउस। अब ये वाले एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। क्यों रख लेने हैं कि जैसे एक हमने लिख दिया सी माउस, अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। एक हमने लिख दिया सी काउ, एक हमने लिख दिया सी हॉर्स, और ऐसे ही मिलते जुलते बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए। तो अब आपको इनको रिकॉल करने में दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसे ऐसे जो नाम है उनको अच्छे से याद रखना है। जैसे एफ्रोडाइट है, सी माउस, ये तो एनालिडा का हो गया आपका। सी काउ हेलिकोर, ये मैमेलिया में पड़ते हैं। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये फिश है। तो इन चीजों के बारे में कंपैरेटिव नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। जब भी ऐसे टर्म आपको मिले तो उनको अलग से लिख लें, उनको अच्छे से याद करें, और उनसे मिलते जुलते कुछ और टर्म्स आपको याद आ रहे हों। जैसे अब मैं लिख दूं सी लेमन, अब ये मोलस्का में पढ़ेंगे हम। सी हेयर, ये भी मोलस्का में पढ़ेंगे हम। सी स्टार, ये एकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। तो ऐसे मिलते जुलते जो नाम हैं, कॉमन नेम्स जो हैं, इनको अलग से लिस्टिंग कर लेनी है आपको, अलग से एक लिस्ट बना लेनी है, जिससे फिर बाद में इनमें आपको कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। कीटोप्टेरस, पेडल वर्म, सेबेला, पिकॉक वर्म, फेरिटिमा, इंडियन अर्थवर्म, लम्ब्रिकस, यूरोपियन अर्थवर्म एंड हिरुडीनिया, ब्लड सकिंग लीच। तो ये आपको दिखाई दे रहा है एफ्रोडाइट, सी माउस, ठीक है, वो दूर से चूहे के जैसा दिखाई देता है। ये फेरेटिमा हो गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लड सकिंग लीच। अब लीच के बारे में एक दो चीजें और समझ लीजिए, एक दो चीजें और बताया देता हूं लीच के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो ये कि एनालिडा में तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है क्लोज, लेकिन लीच एक्सेप्शन है क्योंकि इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ओपन। एक चीज। दूसरा, एनालिडा के सभी ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, यानी या तो पैरापोडिया होंगे, काइटेनोसीटी होंगे, या दोनों होंगे। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ये कि इनकी बॉडी कैविटी में, लीच की बॉडी कैविटी में, एक खास तरह का टिश्यू भरा होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं बोट्रियोइडल टिश्यू। ये नाम अच्छे से याद कर लो, बोट्रियोइडल टिश्यू विच इज एक्सक्रीटरी इन नेचर। ये इनकी बॉडी कैविटी में ये टिश्यू भरा रहता है। इस पर भी 1-2 बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एनालिडा। अब हम आते हैं हमारे आज के फाइलम में, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। चलो जी देखें कोई क्वेश्चन मेरे पास आया है क्या। नहीं, अभी तक मेरे पास कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जैसे अर्पित ने लिखा है सी कुकुम्बर, ठीक है वो भी ठीक है। और कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन उसमें मेरे को नहीं दिख रहा। चलो जी आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करते हैं बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है। इस फाइलम को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। और एक दूसरा टर्म जो अभी आपको बता रहा हूं वो आपको और अच्छे से याद रखना है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, मोस्ट सक्सेसफुल, तो हो सकता है कि आप ऑप्शन पिक कर लें कॉर्डेटा। आ रही है कि नहीं बात समझ में? क्योंकि सक्सेसफुल को आप कई बार कंपेयर कर लेते हैं या मिला देते हैं कौन से टर्म से, डेवलप्ड से, कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। लेकिन सक्सेसफुल फाइलम हम किसे कहेंगे? जिसके सबसे ज्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट फाइलम भी आर्थ्रोपोडा होगा और मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम भी क्या होगा बच्चों? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के साथ बहुत सारे एवोल्यूशनरी ट्रेट्स पहली बार अपीयर होंगे। जैसे मैं कुछ चीजें बताऊं आपको, अभी तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हमने क्या पढ़ा है कि बॉडी का एंटीरियर एंड, बॉडी का पोस्टीरियर एंड, या ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ लिया है कि भाई बॉडी में सेगमेंटेशन है जो या तो फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है। हेड के जैसा स्ट्रक्चर अभी तक हमने नहीं पढ़ा। कहने का मतलब एक डिस्टिंक्ट हेड पहली बार आर्थ्रोपोड्स में अपीयर होता है, इससे पहले डिस्टिंक्ट हेड नहीं है। दूसरा, काइटिन से बना हुआ एक रिजिड प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में अपीयर होता है। क्यों अपीयर होता है? क्योंकि ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। और जब वो टेरेस्ट्रियल होंगे बच्चों तो बॉडी से वाटर के इवेपोरेशन को रोकने के लिए उनको क्या चाहिए? एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक बैरियर। ठीक। तीसरा, अभी तक के जितने भी फाइलम हमने पढ़े, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, इन सारे फाइलम्स में किसी में भी रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर पहली बार आर्थ्रोपोडा में अपीयर होता है। चौथा, देखने की कैपेसिटी, विजन, कंपाउंड आईज पहली बार किस में आए? आर्थ्रोपोड्स में। इससे पहले विजन की कैपेसिटी नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म में। पांचवा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेज हम पढ़ चुके हैं जो बॉडी का ट्रू पार्ट नहीं है, आउटग्रोथ्स हैं, जैसे ये हाथ और पैर, ये अपेंडेजेस हैं। और हमारे अपेंडेजेस भी कैसे हैं? जॉइंटेड। यहां जॉइंट है, यहां जॉइंट है, फिर यहां जॉइंट है, फिर यहां जॉइंट है, उंगलियों में जॉइंट है। ऐसे ही जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो आपके एनेलिडा में आ गए थे, पैरापोडिया आ गए, काइटिनस सीटी आ गए, लेकिन वो जॉइंटेड नहीं थे। आ रही है बात समझ में? जॉइंटेड अपेंडेजेस पहली बार आर्थ्रोपोड्स में आए। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि आर्थ्रोपोडा का जो लिटरल मीनिंग है, आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड और पोडा का मतलब है अपेंडेजेस। तो इन जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या है? बेनिफिट क्या है? मान लो हमारे हाथ और पैर में जॉइंट्स नहीं होते तो हमें क्या नुकसान होता? हम तेज नहीं चल पाते, क्योंकि स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? ये मूवमेंट चाहिए। हाथ ऊपर आ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, पैरों में मूवमेंट हो रहा है, नी जॉइंट पर मूवमेंट हो रहा है। अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो हमारा लोकोमोशन डिस्टर्ब हो जाता। तो अगर लोकोमोशन बढ़ गया, फैसिलिटेट हो गया जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से, तो एवोल्यूशन में इससे क्या बेनिफिट मिला? एवोल्यूशन में इससे बेनिफिट ये मिला बच्चों कि जब लोकोमोटरी ऑर्गन्स जॉइंटेड होंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी लोकोमोशन की, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, ये सबसे फिट हो जाएंगे। क्योंकि कोई अगर इन पर अटैक करेगा तो ये भागकर बच सकते हैं, या इनको किसी शिकार को पकड़ना है तो तेजी से जाकर उसको पकड़ सकते हैं। तो दैट इज हाउ लोकोमोटरी एबिलिटीज फैसिलिटेट्स और इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ और द एबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और परसिस्टेंस इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट और द नेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो आपको याद रखना है। तो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे बड़ा फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनमें पहली बार आते हैं, काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, देखने की कैपेसिटी पहली बार आई, और ट्रू सेंस में हम कहें तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स भी इनमें पहली बार बने, मतलब इनमें कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होना भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, और ट्रू सेंस में जिसको हम कहें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनसे पहले भी आया, लेकिन यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने वाले सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो इसके जनरल कैरेक्टर्स, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। हैबिटेट, सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के बारे में बता दूं। हैबिटेट, दुनिया में ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जिसमें कोई ना कोई आर्थ्रोपोड न मिलता हो। सो आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड इन ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, बी इट एक्वेटिक बी इट टेरेस्ट्रियल, कैसा भी हैबिटेट हो सब में मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स। सिमेट्री कैसी होती है ये अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बायलैटरल सिमेट्री। ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने डिस्कस किया था, एस्केल्मिन्थीज के बाद क्या स्टार्ट हो गया, ऑर्गन सिस्टम, और अगर मैं इसमें बॉडी प्लान लिख दूं तो वो भी सेम है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। शाइजोसीलोम, अब जरा इसको अच्छे से समझ लो, ये मैंने हीमोसील के वक्त भी आपको समझाया था, आज फिर से समझा रहा हूं। ये मान लो कि कॉकरोच है, एज्यूम करो, ये इसके कंपाउंड आइज हैं, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स और बाकी चीजें मैं नहीं बना रहा हूं, यहां मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहां हेपेटिक सीका होते हैं। ये इसके टेस्टिकल्स है, मान लो कि ये मेल है। तो जब मैं यहां लिख रहा हूं कि शाइजोसीलोम, अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होता है बच्चों। पहला, टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन कॉकरोच और फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, द आंसर वुड बी शाइजोसीलोम, या इसको दूसरी लैंग्वेज में मैं क्या कहूं, ट्रू सीलोम, इनमें ट्रू सीलोम मिलता है। लेकिन ये जो ट्रू सीलोम है बच्चों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इट इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड गोनेड्स, या कुछ सेंस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ। अब ये जो बाकी जगह बची रह गई, इस बाकी जगह में ब्लड भरा रहता है पूरे के पूरे स्पेस में, तो इस कैविटी को शाइजोसीलोम न कह के हम क्या कहते हैं, हीमोसील। और इस कैविटी में जो फ्लूइड भरा है बच्चों वो क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ। और यहां ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये शाइजोसीलोम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थ्रोपोड्स में ट्रू बॉडी कैविटी तो है, बट दैट ट्रू बॉडी कैविटी इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड गोनेड्स और सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स। बाकी जो ओपन स्पेस है बॉडी में वो कहलाया हीमोसील, दैट इज ब्लड फिल्ड कैविटी। तो बच्चों क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होंगे। पहला तरीका क्या है कि भाई आर्थ्रोपोडा में बॉडी कैविटी कौन सा मिलता है, विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, द आंसर वुड बी शाइजोसीलोम। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज हीमोसील, एंड नाउ द आंसर विल बी फॉल्स बॉडी कैविटी, क्योंकि ट्रू बॉडी कैविटी तो ये था और ये केवल गोनेड्स के चारों तरफ है। तो अब आपको देखना यह होगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से दोनों लैंग्वेज रिपीट कर दूं, टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, ट्रू सीलोम, शाइजोसीलोम। अब क्वेश्चन हीमोसील के रेफरेंस में अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज हीमोसील, it is a blood filled cavity and it is a false cavity. Why it is false? Because it is not lined on either side by mesoderm and it is actually remnant of embryonal blastocele. तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जॉइंटेड अपेंडेजेस में बता ही चुका हूं, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, काइटिनस क्यूटिकल, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इसको भी समझ लो जरा, ये जो यहां लिखा है ना कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एक बार के लिए मैं इसको मिटा दूं, तो इनकी बॉडी के डिवीजन बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से तरह के हो सकते हैं देख लो, बॉडी इज डिविजिबल ईदर इन, ये शायद कलर आपको दिखाई न दे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, या तो डिवीजन ये होगा जैसा कॉकरोच में होता है, ये कॉकरोच का हेड है ये इसके तीन थोरैक्स के सेगमेंट हैं, T1, T2, T3। तो ये हिस्सा हो गया थोरैक्स और इसके नीचे वाला हिस्सा हो गया एब्डोमेन। या फिर कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे होंगे जिनमें हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम कहेंगे सिफेलोथोरैक्स, जैसा कि स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में होता है, उनमें सिफेलोथोरैक्स बन जाता है और दूसरा हिस्सा है एब्डोमेन। मतलब हेड और थोरैक्स दोनों इनमें फ्यूज हो गए, ठीक है ना। तो कुछ जनरल कैरेक्टर तो हुए ये, अब कुछ जनरल कैरेक्टर यहां आ जाओ, इसको ध्यान से देख लेना, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों को। पहले रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पहली बार अपीयर हुए हैं आर्थ्रोपोड्स में, अच्छे से याद रखना। इससे पहले के जितने भी फाइला हैं, इससे पहले के जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सारे के सारे ग्रुप्स में, रिपीट कर रहा हूं, उन सारे के सारे ग्रुप्स में रेस्पिरेशन केवल और केवल कैसे होता है, डिफ्यूजन से। स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहां रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बच्चों तीन तरह के मिल सकते हैं प्राइमरीली, तीनों के बारे में समझ लो। पहला ट्रैकिया दैट इज फाउंड इन कॉकरोच, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कह दूं इंसेक्ट्स में मिलता है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम मिला। दूसरा गिल्स, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा जैसे कि क्रैब, केकड़ा। और तीसरा बुक लंग्स, ये किस में मिलेंगे, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मकड़ी वगैरह में, बिच्छू में, इनमें ये मिलेंगे। तो तीनों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैन बी ट्रैकिया, गिल्स और बुक लंग्स, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पर। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में भी वही बात है, तीन तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनमें मिल सकते हैं। और ये कौन कौन से हो सकते हैं देखो, सबसे पहला और सबसे कॉमन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि कॉकरोच में है, यानी कि इंसेक्ट में है। दूसरा एंटेनरी ग्लैंड, जो कि क्रैब में है। और तीसरा कॉक्सल ग्लैंड, जो कि स्पाइडर में या स्कॉर्पियन में है। तो ये तीन रेस्पिरेटरी और तीन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखने हैं। हाँ, उन्हीं को ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एंटेनरी ग्लैंड का ही एक और नाम है बेटा पवन, जो आपने लिखा है ग्रीन ग्लैंड। अब देखो नर्वस सिस्टम के बारे में एक बहुत खास चीज लिख रहा हूं, ये जो लिखा है ना यहां नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम होता है इनका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी लैंग्वेज में, एनालिडियन नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब इनका नर्वस सिस्टम एनालिडा के जैसा होता है, और एनालिडा का नर्वस सिस्टम जो था उसमें क्या था, ए सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यही दो स्ट्रक्चर एनालिडा में भी थे, यही दो स्ट्रक्चर यहां हैं। तो यह टर्म आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है, एनालिडियन नर्वस सिस्टम एंड दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आइज, आइज इनमें होते हैं कौन से, कंपाउंड आइज। अब कंपाउंड आइज और सिंपल आइज में डिफरेंस समझ लो। सिंपल आइज तो हैं हमारे, या सिंपल आइज होते हैं बच्चों ऑक्टोपस में। सिंपल आइज का मतलब हो गया दिस इज द आई एंड द एंटायर यूनिट इज विजुअलाइजिंग द सेम ऑब्जेक्ट। पूरा आई एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो इनके कंपाउंड आई में आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी इस आई को विजुअलाइज करेंगे ये ऐसा दिखाई देगा आपको किसी भी पिक्चर में। ये ऐसा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम कहते हैं ओमेटिडियम। और अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच के एक आई में लगभग 2000 ओमेटिडियम होते हैं, 2000 छोटे छोटे यूनिट, और हर यूनिट इंडिपेंडेंटली, जैसे पूरा इमेज है, मान लो कि अभी एक क्लास यहां चल रहा हो और उसमें आप सारे के सारे 50 बच्चे बैठे हों, 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो एक यूनिट एक स्टूडेंट को देखेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को, ऐसे करके 50 यूनिट 50 स्टूडेंट्स का इमेज बनाएंगे और ये सारे के सारे इमेजेस ब्रेन में जाकर के कंपाइल होंगे। जैसे जिग्सॉ पजल होता है ना, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा, ऐसे सब मिलकर के एक कंप्लीट इमेज बनाएंगे। तो ऐसे आई को कहते हैं बच्चों कंपाउंड आई, जिसमें आई इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स, एवरी यूनिट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इमेज फॉर्म्ड बाय एवरी यूनिट फाइनली इज कंपाइल्ड इन द रीजन ऑफ ब्रेन। हमारे साथ क्या होता है, हमारे आईज हैं सिंपल, कॉकरोच के आईज होते हैं कंपाउंड। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आईज कंपाउंड आईज। ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें ट्रू सेंस में हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनना स्टार्ट हो गए। दो तीन तरह के हार्मोन भी बनते हैं, जैसे जुवेनाइल हार्मोन बनता है, एक्डाइसोन हार्मोन बनता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्थ्रोपोड्स आर यूनिसेक्सुअल एंड दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस पॉइंट को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट, मीन मेल एंड फीमेल दे आर सेपरेट। एग्जिबिटिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, दैट मेल एंड फीमेल आर आइडेंटिफिएबल बाय देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसे कॉकरोच की बात करूं तो मेल कॉकरोच में जो विंग्स होते हैं, पंख, वो उसकी बॉडी से भी ज्यादा लंबे होते हैं, पीछे तक एक्सटेंड करेंगे, और फीमेल कॉकरोच में इनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हम देख करके पहचान लेंगे कि भाई ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच। तो ऐसे मॉर्फोलॉजिकली अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेल और फीमेल, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट है, लेकिन लार्वल स्टेजेस सब में अलग अलग तरह के बनते हैं। ठीक है, कहीं पर इमैच्योर स्टेज को निम्फ कहा जाता है, कहीं पर इमैच्योर स्टेज को नैयड कहा जाता है, कहीं लार्वा, कहीं प्यूपा, फिर लार्वा और प्यूपा के भी सब में अलग अलग नाम हैं। तो उन सारे नामों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुए बच्चों आर्थ्रोपोड्स के जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स एक बार फिर से देख लो, वापस से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, मीनवाइल एक बार क्वेश्चन देख लूं आपके। रिया मेगन, कौन सा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने? व्हाट इज द बेसिक ऑफ डिवीजन, आर्थ्रोपोड्स को किस बेस पर डिवाइड करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के जो डिवीजन है वो है क्रस्टेशियंस, काइलोपोड्स, डिप्लोपोड्स, हेक्सापोड्स। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स कितने हैं, एक डिवीजन तो ये हो गया। तीन बेसिक ग्रुप तो इस बेस पर बन गए, डिप्लोपोडा जिनके हर सेगमेंट पर दो दो लेग हो, काइलोपोडा जिनके हर सेगमेंट पर एक लेग हो, हेक्सापोडा जिनकी पूरी बॉडी पर 6 लेग हो, जैसे इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन बनेंगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉक्सल, ग्रीन एंड मैल्पीजियन? कॉक्सल ग्लैंड कहां होगा? कॉक्सा। कॉक्सा कहां होता है? व्हाट इज द कॉक्सा? एक मिनट रुको, इसके लिए आई नीड ए रिलेटिवली फ्रेश स्लाइड। मैं इस स्लाइड पर आपके लिए बताता हूं। इरेज एंड नाउ वी कम टू दिस पॉइंट। अब देखना जरा ध्यान से, ये एक आर्थ्रोपोड है, इसी में मैं तीनों चीजें समझा रहा हूं आपको, जरा समझ लेना। तो यहां से इनका एंटनी स्टार्ट होता है, देखो दिस इज एंटनी, मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है एंटनी। ठीक है जी, ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जैसा कि मैंने कहा, यहां इस जगह मिड गट और हाइंड गट के बीच में ये क्या मिलते हैं? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और अगर अब मैं इनके बॉडी सेगमेंट भी बना दूं तो यहां से इनके लेग जुड़े रहते हैं, जैसे एक लेग ये हो गया, फिर एक लेग ये होगा, फिर एक लेग ये होगा, एक लेग ये होगा, एक लेग ये होगा, एक लेग ये होगा। तो किसी भी लेग का जो पहला सेगमेंट है बेटा उसको हम कहते हैं कॉक्सा। तो इस कॉक्सा के पास में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा वो तो कॉक्सल ग्लैंड कहलाया, ये आपके मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहलाए। एंटेनी के बेस पर जो ग्लैंड होंगे उनको हम एंटेनरी ग्लैंड कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड देयर फंक्शनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। चलो जी और देखता हूं किसका क्वेश्चन है मेरे पास। सर कुछ ओमेटिडिया डैमेज हो जाए तो क्या होगा, आमिर खान पूछ रहे हैं। तो वो ओमेटिडिया काम नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह दूसरे ओमेटिडिया होंगे। देयर आर 2000 ओमेटिडिया। तो सामने जो भी एक सीन होगा, जो पिक्चर होगा जिसको देखना है, उसको 2000 की जगह मान लो 100 डैमेज हो गए तो 900 यूनिट्स में डिवाइड होगा फिर वो, ठीक है ना। चलो और कोई क्वेश्चन मुझे अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी आगे चलें। अब जरा इनके एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल को बच्चों मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। यहां जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं और इन सब को कलेक्टिवली, ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कलेक्टिवली दे ऑल आर नोन एज क्रस्टेशियंस। और ये जो क्रस्टेशियंस हैं इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटेनरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो 4-5 एग्जाम्पल देख लो। पेलेमॉन, प्रॉन जिसे हिंदी में हम कहते हैं झींगा, एस्टेकस, क्रेफिश। अब देखो फिर ये ऐसा टर्म आ गया आपके सामने, अब मैं बोलना शुरू करूं। क्रेफिश, सिल्वर फिश, रेट फिश, रैबिट फिश, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते जाएंगे। तो जहां जहां ये जनरल टर्म आता जा रहा है फिश, ये आपको याद रखना है कि कौन सा तो ट्रू फिश है, कौन सा ट्रू फिश नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज एस्टेकस ऑल्सो नोन एज क्रेफिश, पैलिन्यूरस लॉबस्टर, कैंसर और क्रैब, ल्यूसीफर इज श्रिम्प एंड यूपेगुरस हर्मिट क्रैब। ये जो 4 पिक्चर बच्चों मैंने यहां लगाए हैं ये तो है आपका पैलेमॉन, प्रॉन जिसे हम कहें झींगा, ये दिखाई दे रहा है एस्टेकस यानी कि क्रेफिश, ये दिखाई दे रहा है क्रैब, कैंसर और क्रैब, और ये दिखाई दे रहा है यूपेगुरस हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब। हर्मिट का मतलब होता है साधु, साधु सन्यासी, ठीक है, जो कि किसी गुफा में और जाकर के अपना ध्यान लगाते हैं या पूजा अर्चना करते हैं या साधना करते हैं किसी गुफा में जाकर के। तो इसका नाम हर्मिट क्रैब क्यों पड़ा, इस वजह से पड़ा क्योंकि ये क्रैब देख रहे हो ये बाहर मोलस्क है कोई जिसका कि एक्सोस्केलेटन है। इस मोलस्क के एक्सोस्केलेटन में ये क्रैब एंटर कर जाता है और फिर यहीं बना रहता है। आ गई बात समझ में। जैसे कोई साधु सन्यासी किसी गुफा में चले जाते हैं वहीं बैठे रहते हैं, उसी तरीके से ये क्रैब, ये केकड़ा भी किसी मोलस्क के एक्सोस्केलेटन के अंदर एंटर कर जाता है और फिर वहीं बना रहता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, हर्मिट क्रैब। ओके तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। कलेक्टिवली ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए बच्चों, क्रस्टेशियन। सिंपल लैंग्वेज में मैं कह दूं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आगे चलूं, अब ये 4 एग्जांपल देख लो। स्कॉलोपेंड्रा, सेंटीपीड या 100 लेगर, इसको देखो जरा, ये सेंटीपीड है और इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, हर सेगमेंट पर 1 पेयर लेग्स ऑन ईच सेगमेंट। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि बॉडी का जो पहला सेगमेंट है, यहां जो दिखाई नहीं दे रहा है छुप गया है नीचे, पहले सेगमेंट पर जो लेग्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं पॉइजन क्लॉ में। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉइजन क्लॉ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पहला पेयर। फिर दूसरा देखो जूलस, मिलीपीड, जिसको हम कहते हैं थाउजेंड लेगर। तो अब इसको देखो जरा, इसमें हर सेगमेंट पर यहां आपको जो दिखाई दे रहे हैं टू पेयर लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट पर दो जोड़ी लेग्स होते हैं इनमें, तो इनका नाम हो गया मिलीपीड और थाउजेंड लेगर। ठीक है जी। अब जो चार हैं ये, इनको सिंपल इसी तरीके से आपको याद रख लेना है, इनके साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्पाइडर है तो कई कैटेगरीज होती हैं, एरेनिया हैं और बाकी सब, लेकिन आप सीधे सीधे याद रखें स्कॉर्पियन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, और टिक्स और माइट्स जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कैटल है, बफेलो है, शीप है, गोट है, डॉग है, इनकी स्किन पर कुछ ऑर्गेनिज्म चिपके रहते हैं जो ब्लड सक करते हैं, ब्लैक 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 स्ट्रक्चर के, उनको टिक्स और माइट्स कहते हैं। इनमें से दो के मैंने यहाँ डायग्राम आपको दे दिए हैं, ये तो है स्पाइडर, और स्पाइडर और इंसेक्ट के पिक्चर को देख करके आप कैसे पहचानोगे, इनमें लेग कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो स्पाइडर में लेग कितने हो गए, 4 पेयर ऑफ लेग्स, टोटल 8 लेग्स होंगे। और स्कॉर्पियन में भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 पेयर ऑफ लेग्स, ये है आपका स्कॉर्पियन। ठीक है साहब, तो कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर हो गए। अभी देखता हूं कि रिया मेगन कह रही है सर व्हाट इज लेपिस्मा, बस अगली स्लाइड पे आओ बेटा। ये देखो, ये रहा लेपिस्मा, ये जो दिख रहा है ना सिल्वर फिश। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पे किताबें रखी हों, कोई लाइब्रेरी हो, तो उन किताबों को जब आप खोलते हैं, बहुत पुरानी किताबों को, तो उनमें से कीड़ा सा निकलता है, चमकीला सा, उसे हम कहते हैं सिल्वर फिश। ठीक है ना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? लेट मी सी, चलो ठीक है। और कोई मेरे को अभी स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब इन सब के एग्जाम्पल देख लो, ये सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों, कलेक्टिवली इन सब को हम कहते हैं इंसेक्टा या हेक्सापोडा। हेक्सापोडा इस वजह से क्योंकि इनमें सब में लेग आप देखोगे तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जैसे इसी में देख लो, एस्टेकस में 1 2 3 जो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसेक्ट्स और हेक्सापोड्स। तो लेपिस्मा सिल्वर फिश। अब देखो फिर से आ गया फिश, अभी हमने क्रेफिश पढ़ा था, वो भी आर्थ्रोपोड था लेकिन क्रस्टेशियन था, ये लेपिस्मा है सिल्वर फिश, ये भी इंसेक्ट है। मॉस्किटो, अब मॉस्किटो की बहुत सारी स्पीसीज है, मैंने सिंपल लिख दिया है मॉस्किटो, जैसे एनोफिलीज, जैसे एडीज, जैसे क्यूलेक्स, ये सब मॉस्किटो हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मॉस्किटो, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट। फिर कॉकरोच तो आप देख ही चुके हैं, उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। सिल्क वर्म, ये जो दिख रहा है आपको, ये सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स, और ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ये इसका कोकून दिखाई दे रहा है। इसी को जब हम खोलते हैं तो इससे सिल्क मिलता है। लैक इंसेक्ट, लाख का कीड़ा, जिससे कि ये चूड़ियां और बाकी सब चीजें, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, लेसिफर बोलते हैं इसको। बेडबग, खटमल, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये भी ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है। टर्माइट्स, ये देखो, माने कि दीमक, दीमक लग जाती है लकड़ी पर। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है एपिस या हनी बी। तो इंसेक्ट्स के साथ आपको जो चीज एक्स्ट्रा और याद रखनी है वो क्या, कि जैसे आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, उसी तरीके से आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है। चलो अभी मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। आमिर खान कह रहे हैं हनी बी इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास? क्लास इंसेक्टा। ये देखो इंसेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना हम, इसी के अंदर आएगा एपिस या हम कहें हनी बी। तो ये आपके आर्थ्रोपोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए, आर्थ्रोपोड्स के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। आई होप ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड जनरल कैरेक्टर्स आर क्लियर टू यू ऑल। लेकिन बच्चों आर्थ्रोपोडा में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बच गई हैं जो आज के सेशन में हम कवर नहीं कर पाए। क्या क्या बच गया? माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, जिस पर कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद मेटामॉर्फोसिस, एमेटाबॉलस, पोरोमेटाबॉलस, हेमीमेटाबॉलस, होलोमेटाबॉलस, कई तरह के मेटामॉर्फोसिस हैं, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो ये दो चीज़ें अब नेक्स्ट सेशन में, और फिर उसके साथ हम मोलस्क का भी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें आज अच्छे से समझ में आई होंगी आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस सेशन को देखिए। जो बच्चे लेट आए हैं, आधा घंटा 40 मिनट के बाद जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है, वो एक बार रिकॉर्डेड पूरा का पूरा फिर से देख लें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैसेज बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे बच्चों शाम 7 बजे वाले सेशन में, जहां हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बाकी बचा हुआ हिस्सा और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, 7 बजे मैं फिर मिलूंगा आपसे, और डॉट 30 मिनट्स के बाद मेरा क्लास है अन एकेडमी प्लस पर। तो जाने से पहले हिट द बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट एज मैक्सिमम। जितना ज़्यादा इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को, किसी न किसी स्टूडेंट को इन लेक्चर्स की, इन सेशंस की ज़रूरत होगी, और अगर आपके थ्रू ये चीज़ वहाँ तक पहुँची तो ये आपकी तरफ से एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी, वापस आप तक कोई ना कोई पॉजिटिविटी लौट के आएगी। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए, हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहिए, खुश रहिए और पूरी तरीके से फोकस्ड होकर तैयारी में लगे रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए हम सब यहां पर अवेलेबल हैं एज टीम प्लेसेबो, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एज वेल एज एम्स। तो मिलते हैं बच्चों ठीक 7 बजे। गुड बाय।